बिल्लू बाजी हमको नहीं खेलना तीसरा ओडीआई, स्टंप को बता दो हमको ना खिलाए, किसी और को खिला ले, हमारे बिना गुजारा चला ले। हम इतना मेहनत से शतक ठोकता यार, ये बकर जमान शतक पे शतक ठोक के हमारा सत्यानाश करता, मैं जीत जाता। ओ डैडी मिचेल से ये तुम क्या करता यार, बच्चों की तरह काय करो होता, तू तीसरे मैच में खेल कराची का पीछा होता, उधर भी शतक ठोक, उधर नहीं होगा हिम्मत नहीं हार भैया, पाकिस्तान से एक मैच जीतना, तेरा शतक जीतेगा, हिम्मत नहीं हार, बच्चों की तरह नहीं रो, अब हिम्मत कर खेल। हाँ मिचेल ये क्या कर रहा है, पाकिस्तान वालों को हम पर हंसाएगा, बच्चों की तरह रो रहा है, कैन बुरादर सही कह रहा है, कराची की पिच पर तुम शतक ठोकेगा, 250 रन भी हमारा होगा, इनसे चेज नहीं होगा, फकर से एक रन नहीं बनेगा, ठीक है अब हिम्मत नहीं हार, दिल बढ़ा कर ठोकेंगे। मिचेल भैया ये तेरे को पक्का मरवाएंगे, तू मैच वाले दिन आगे पीछे हो जाना, छुप जाना, नहीं तो ये तेरे को जबरदस्ती खिलाएंगे और तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं शतक ठोक के फिर तेरे शतक का सत्यानाश करूंगा, क्योंकि जीतने नहीं दूंगा तेरी टीम को। बाबर भैया अपने प्लेयर फकर को समझा, खाम का हमारे प्लेयर को डरा रहा, पहले वो डरा हुआ यार, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे भी हमारे बड़े बड़े प्लेयर है नहीं, एक यही तो प्लेयर है, इसको भी फकर डरा रहा, वो पहले बच्चों की तरह डरा हुआ है यार, ऐसे नहीं करो। फकर जमान भैया काहे को डरा रहा है यार, चुपचाप उसको खेलने दे, जिस दिन खेलेगा उस दिन मंड के ठोकना, ठोकने देना इसको भी शतक, उसके बाद इसके शतक का सत्यानाश करना, फिर नहीं छोड़ना, फिर पूछेंगे, अभी फिलहाल चुप करो, मैच में देखेंगे। देखो टॉम भैया ये समझा कहाँ रहा है, ये देख और देख क्या बोल रहा, मैच वाले दिन इसको मैं ऐसे मारेंगे, ये देख भैया मैं खेलूंगा नहीं, बस दफा करो, तुमसे नहीं ये समझेंगे, ये काम का मेरी बेइज्जती करेंगे और तुम भी बेइज्जती करवाने के। बाबर भैया क्यों तंग कर रहे हो, देखो बच्चों की तरह रो रहा, डेरी मिचेल तू टेंशन नहीं ले, तेरा किस्सा खत्म कर देंगे तीसरे ओडीआई मैच में, हमारे गेंदबाज तेरे को शून्य के स्कोर पर आउट करके किस्सा ही खत्म हो जाएगा, जान छूटेगी, फिर तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना तेरा शतक लगेगा। इमाम बुरादर अगर हम खेलेगा ही नहीं, अगर हम खेला तो हम डर के मारा जान बूझ के आउट नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे गेंदबाजों का बस का बात नहीं हमको शून्य पर आउट करे, हम तीसरा मैच खेला तो हम फिर शतक लगाएगा देखने का। तो ससुर के नाती फिर बेइज्जती करवाएगा, तेरा शतक फिर मैं जाया करूंगा, तू शतक लगाएगा क्या, मैं चुपचाप तमाशा देखूंगा, मैं भी ठोकूंगा, तू लगाना लगा, मेरा तो शतक पक्का। इमाम भैया ये समझने वाला नहीं है, इसको बेइज्जती करवा की मजा आता है। हाँ फकर भैया मंड के रखना, इसको भी ससुर के नाती को मजा आता है शतक लगा के मैच हारने में, खामखा बच्चों की तरह रो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता तीसरे मैच में इससे शतक लग पाए। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।